सबसे पहले मैं आपको लाइव प्रूफ चेक करके दिखा देता हूँ। मैंने अपना IRCTC से लॉगिन कर लिया है वेबसाइट पे, बुक टिकट हिस्ट्री पे, ऑल जर्नी पे मैं क्लिक करता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर वापिस से पटना के लिए मैंने कुछ दिन पहले टिकट बुक किया था, जो कि आप यहाँ पे सामने देख रहे हैं। 4 सितंबर को ट्रेन था और 5 सितंबर को पहुँचा देगा। और मैंने इनका टिकट बुक किया तो मैं फैमिली मेम्बर हैं ये। सो यहाँ पे देख सकते हैं RAC 26 स्लीपर क्लास में मैंने बुक किया था। लेकिन देखिए करेंट स्टेटस अभी क्या यहाँ पे दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पे देख सकते हैं PNR नंबर कॉपी कर लेता हूँ। आपको मैं करेंट स्टेटस चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ PNR स्टेटस, आप लोग देख सकते हैं। प्रूफ मैं आपको दिखाऊँगा कि क्या है असल में। यहाँ पे मैंने टिकट जो है बुक किया है स्लीपर क्लास में, लेकिन यहाँ पे है मेरा टिकट जो है कन्वर्ट कर दिया गया है कहाँ पे, P11 AC में। यहाँ पे देख सकते हैं स्लीपर से AC में मेरा टिकट कन्फर्म हो चुका है। अब ये कैसे हुआ, स्लीपर में मैंने काटा था लेकिन AC में थर्ड AC में चला गया कैसे? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब भी आप लोग ट्रेन में वेटिंग टिकट बुक करते हैं तो आपको एक हमेशा टिक लगा देना चाहिए एक बॉक्स के ऊपर। मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से बॉक्स के ऊपर टिक लगाने से अगर आपका भी ऐसा हो सकता है कि अगर स्लीपर में सीट नहीं खाली रहता है तो आपका जो है AC में भेज दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हालांकि इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। इसका मतलब होता है कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। और आपको मैं यहाँ पे लाइव बताने वाला हूँ कि देखिए जब भी आप लोग वेटिंग में टिकट बुक कर रहे हैं तभी सिर्फ अप्लाई कीजिएगा, ठीक है? और अगर आप और जानकारी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको IRCTC देख सकते हैं, मैंने वेबसाइट पर आ गया है। तो चलिए एक कोई रूट का सेट लेफ्ट वेटिंग टिकट में कर लेता हूँ, पटना से वापी जंक्शन का ही, वापी से पटना जंक्शन का ही कर लेता हूँ, मान के चलिए 12 सितंबर को। चलिए तो मैं 12 सितंबर को सर्च ट्रेन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे ट्रेन की लिस्ट सर्च हो रही है 12 सितंबर को। तो देख सकते हैं यहाँ पे स्लीपर क्लास में वेटिंग 56 बताया जा रहा है, ठीक है? यहाँ पे वेटिंग 12 सितंबर को 56 बताया जा रहा है। सो मैं आपको बुक नाउ पे क्लिक करूँगा, आई एग्री पे क्लिक करूँगा। देख सकते हैं यहाँ पर आपका पैसेंजर नेम है, जो नेम है वो नेम डाल दे रहा हूँ मैं। उसके बाद आपको परफॉर्मेंस चूज नहीं करना है, ठीक है? आप लोग अगर जब भी वेटिंग बुक करिएगा तो परफॉर्मेंस चूज नहीं करें, मैं सजेस्ट करता हूँ आपको, ठीक है? उसके बाद आप देखिए सब, उसके बाद आप नीचे आइएगा। उसके बाद देखिए जैसे ही आप नीचे आइएगा यहाँ पे लिखा हुआ है अदर परफॉर्मेंस, कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन पे आप लोग हमेशा टिक लगाइए जब भी वेटिंग टिकट बुक कर रहे हों। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आपका सीट खाली नहीं रहेगा उस बर्थ, उस सीट, उस ट्रेन के अंदर, उस बर्थ के अंदर स्लीपर चाहे जो भी हो, तो आपको कन्वर्ट करके ऐसा दे दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मेरे को दे दिया है। सो आज का एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगा, आई होप अगर पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।